कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच कई लोग फरिश्ते बनकर सामने आए। उन्हीं में से एक हैं कर्मवीर पुरस्कार विजेता डॉक्टर नित्य प्रकाश, जो कोरोना काल में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसकी हर तरफ काफी सराहना हो रही है। डॉक्टर नित्य हर रोज लगभग 50 लोगों को पिछले 3 महीनों से मुफ्त में खाना और अनाज दान कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन स्ट्रेस काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम करके लोगों की मदद में जुटे हैं। आपको बता दें कि जून में डॉक्टर नित्य प्रकाश को अमेरिका के शो इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट में बड़ी हस्तियों के साथ शुमार किया गया, जिसको लगभग 100 से ज्यादा देशों में लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ देखा। इसके अलावा वो हर हफ्ते सोशल मीडिया लाइव के जरिए बड़े बड़े कलाकारों जैसे आलोक पांडे, हॉलीवुड से एमएस स्टोन को भी लोगों से मिलवाते हैं ऐसे लोग। और डॉक्टर नित्य प्रकाश भारत में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको इस साल अपने सराहनीय कार्यों के लिए नेशनल नोबेल अवार्ड, लिट्रोमा अचीवर अवार्ड और साथ ही साथ PWI एक्सलेंस अवार्ड, ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जा चुका और इसके साथ ही पद्मश्री और हेलन केलर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया है। तो डॉक्टर नित्या की इस सराहनीय पहल के लोग उनकी काफी सराहना कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन